अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मीना रईस। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मीना रईस। होप यू ऑल आर फाइन, सेफ एंड हेल्दी। फ्राइज़ तो सबको ही पसंद होते हैं। आज हम बना रहे हैं लोडेड चिकन फ्राइज़, जो बहुत इजी वे में बनाएंगे और बहुत मज़ेदार बनाएंगे। आई होप रेसिपी पसंद आएगी। थम्स अप दें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चलिए जनाब, चलते हैं रेसिपी की जानिब। अच्छा जी, सबसे पहले हमने चिकन प्रिपेयर करनी है। इसके लिए हमने एक स्मॉल साइज़ का पैन लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून के आसपास हम ऑयल ऐड कर रहे हैं। अच्छा, अब साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे 250 ग्राम चिकन। चिकन को हमने छोटे क्यूब्स में काट लिया है, इस तरह से छोटी बोटियां कर ली हैं इसकी, छोटे साइज़ की, वो इसमें ऐड करेंगे। और इसको इतनी देर भूनना है इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे इसका कलर चेंज होता है तो जिसके अंदर स्पाइस जाएंगे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो चिकन का कलर चेंज हो गया है। इस पॉइंट पर हम जो स्पाइस ऐड करेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। ये तमाम चीज़ें 1/4 टीस्पून है, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और चिली फ्लेक्स और रेड चिली पाउडर और ज़ीरा पाउडर। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। मिक्स करते हुए हमने इसको इतनी देर पकाना है कवर करके। पहले हमने मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद इतनी देर कवर करके पकाना है कि हमारी चिकन टेंडर हो जाए और इसका जो अपना मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि बहुत छोटे क्यूब्स में कटी हुई है चिकन, ये जल्दी से टेंडर हो जाएगी। अच्छा जी, आ जाते हैं आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने आलू लिए थे 3 से 4 मीडियम साइज़ के, उसको हमने फ्राइज कट कर लिया है इस तरह, ये तो सबको ही आता है इस तरह। अच्छा, इसका स्किन हमने रिमूव की, रिमूव करके बाद करने के बाद इसको कट किया। कटिंग करने के बाद हमने सिर्फ पानी में सॉक किया है। सॉक करने के बाद, स्ट्रेन करने के बाद इसको पेपर टॉवल पे या कोई भी आपके पास कपड़ा हो इस तरह उसको फैला लें और सारा पानी इसका ड्राई कर लें, जितना भी इसका मॉइस्चर है सारा इस तरह ड्राई हो गया। अच्छा जी, अब फ्राइज़ की हम कोटिंग करते हैं। इसके लिए हमने आधी प्याली कॉर्नफ्लोर और मैदा मिक्स करके लिया है। इसके अंदर हम चिकन पाउडर ऐड कर रहे हैं 1/4 टीस्पून, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जितना इसमें स्पेस हो हम इसमें अपने फ्राइज ऐड करेंगे, जितने आ सकते हैं, सारे आ जाएंगे तो सारे कर देंगे। अब हमने इसे कवर करना है, बहुत आसान तरीका है मिक्स करने का। देखिए, कवर करने के बाद इस तरह हम करेंगे। अच्छा जी, अब फ्राइज हम फ्राई करते हैं। इसके लिए हमने पॉट लिया है, इसमें ऑयल हमने प्री हीटेड कर लिया है। गैस फ्लेम हमारी इस वक्त मीडियम है और मीडियम फ्लेम पर हमने इन्हें फ्राई करना है। जितना स्पेस है हम इसमें 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे, सारे एक साथ ऐड नहीं करना है ताकि चिपकने का ख़तरा होता है फिर ना। अगर हम सारे एक साथ ऐड कर देंगे इसके अंदर तो एक दूसरे से चिपक जाते हैं फिर। अच्छा, सारे फ्राइज़ हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। जो हमने ऐड किए थे वो मीडियम फ्लेम थी, अब हमने गैस फ्लेम थोड़ी हाई की है, क्योंकि जैसे ही हमने इसमें फ्राइज़ ऐड किए हैं ऑयल का जो टेम्परेचर था थोड़ा डाउन हुआ है, तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमने इस पर गैस फ्लेम थोड़ी हाई की है। और थोड़ी देर बाद हम मीडियम फ्लेम पर इसको मुस्तकिल चमचे चलाते हुए गोल्डन कर लेंगे। अच्छा जी, आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फ्राइज़ हमारे फ्राई हो रहे हैं, चिकन हमारी रेडी, अब बनाते हैं हम इसकी सॉस। सॉस बनाने के लिए हमने पॉट लिया है। अच्छा, इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून बटर ऐड करेंगे, थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, बस ये हल्का सा जैसे मेल्ट होता है। इसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून मैदा ऐड करना है। विप्स की मदद से इसको मिक्स करना है। गैस फ्लेम बिल्कुल हमारी लो है इस वक्त, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी सी इसके अंदर से खुशबू आने लग गई। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर 1/2 कप मिल्क ऐड करेंगे, अच्छी तरह से चलाएंगे, जल्दी जल्दी चलाएंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स या गुठली ना रहे। अच्छा, सॉस हमारी थिक होने पर आ रही है। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स और सॉल्ट, टेस्ट अकॉर्डिंग आप ऐड करिएगा, लेकिन इसमें कम ऐड की थी मैंने, 1/4 टीस्पून इसके अंदर ऐड किए हैं ये चीज़ें। अच्छा, साथ ही अब हम इस पॉइंट पर ऐड करेंगे इसमें, अब साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं चीज़।
चीज़ आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 1 टीस्पून। मेल्ट होने का वेट करेंगे थोड़ा सा। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये हमने चिकन जो रेडी करके रखी थी अपनी, ये तमाम चिकन इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब लास्ट के अंदर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के आसपास चिल्ली सॉस, चिल्ली गार्लिक सॉस है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, टेस्टफुल हो जाती है ये सॉस। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस ज़बरदस्त सी हमारी सॉस रेडी है। गैस फ्लेम ऑफ करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा जी, अब हम असेंबल करते हैं। असेंबल करने के लिए कोई भी आप सर्विंग बाउल ले लें, उसके अंदर फ्राइज इस तरह ऐड करें। अब चाट मसाला स्प्रिंग करेंगे, चीज़ ऐड करेंगे, हल्की सी चेडर चीज़, मोजरेला चीज़ 1/2 टीस्पून के बराबर। अब ऐड करेंगे इसमें केचप जितना आपको पसंद है। अब इस पर हम लास्ट में ऐड करेंगे जो हमने सॉस बनाई थी चिकन के साथ। लास्ट में हम इसके ऊपर सॉस ऐड कर देंगे। देखा, मज़ेदार से हमारे लोडेड फ्राइज चिकन रेडी हैं। आप इन्हें ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आई होप रेसिपी पसंद आएगी। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह।